हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। 4 दिन लौंग खाने से शरीर की अकड़न, जकड़न, मोटापा, कब्ज, गैस, गठिया 100% खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी लौंग के फायदे, कि लौंग आपके स्वास्थ्य संबंधी रोगों को कैसे दूर कर देता है। लौंग में सेहत के बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, चाहे भोजन का जायका बढ़ाना हो या फिर दर्द से छुटकारा। छोटी सी लौंग को न सिर्फ अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि इसके फायदे भी अनेक हैं। साधारण से सर्दी जुकाम से लेके कैंसर जैसे गंभीर रोग के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लौंग औषधीय तथा आयुर्वेदिक गुणों का खजाना है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तेल, वाष्पशील जैसे तत्वों से भरपूर होता है। इसके अलावा इससे खनिज पदार्थ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ना घुलने वाली राख, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, सोडियम, विटामिन सी और ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीज और फाइबर भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन गुणों के कारण ये घर का डॉक्टर साबित होता है। अब लौंग के औषधीय गुणों के बारे में जान लेते हैं। इसके दर्दनाशक गुण होते हैं। लौंग एक बेहतरीन नेचुरल पेन किलर है। इसमें मौजूद यूजेनॉल ऑयल दांतों के दर्द से आराम दिलाने में बहुत लाभदायक है। दांतों में कितना भी दर्द क्यों ना हो, इसके तेल को उन पर लगाने से दर्द छूमंतर हो जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल विशेषता होती है, जिस वजह से अब इसका इस्तेमाल कई तरह के टूथपेस्ट, माउथ वॉश और क्रीम बनाने में भी किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी रोगों में आराम दिलाता है। लौंग के तेल का अरोमा इतना सशक्त होता है कि इसे सूंघने से जुकाम, कफ, दमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस आदि समस्याओं से तुरंत आराम मिल जाता है। ये बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। लौंग व इसके तेल में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जिससे फंगल संक्रमण, कटने, जलने, घाव हो जाने या त्वचा संबंधित अन्य समस्याओं के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पाचन में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। भोजन में लौंग का इस्तेमाल कई पाचन संबंधी समस्याओं में आराम पहुंचाता है। इसमें मौजूद तत्व अपच, उल्टी, गैस्ट्रिक, डायरिया आदि समस्याओं से आराम दिलाने में मददगार है। कैंसर की रोकथाम में भी ये छोटी सी लौंग बहुत ही सहायक होती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि लौंग के इस्तेमाल से फेफड़े के कैंसर और त्वचा के कैंसर को रोकने में काफी मदद मिल सकती है। इसमें मौजूद यूजेनॉल नामक तत्व का इस दिशा में काफी सहायक है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी बहुत काम करती है। इतना ही नहीं, लौंग का सेवन शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है और रक्त शुद्ध करता है। इसका इस्तेमाल मलेरिया, हैजा जैसे रोगों के उपचार के लिए दवाओं में किया जाता है। डायबिटीज में लौंग के सेवन से ग्लूकोज का स्तर कम होता है। लौंग का तेल पेन किलर के अलावा मच्छरों को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। लौंग कफ पित्तनाशक होती है। त्वचा रोग में लौंग के फायदे। त्वचा के किसी भी प्रकार के रोग के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। त्वचा रोग होने पर चंदन के बूरे के साथ लौंग का लेप लगाने से फायदा होता है। अगर किसी को दांत का दर्द है तो दांतों में दर्द होने पर नींबू के रस में 2 से 3 लौंग को पीसकर मिला लीजिए। उसके बाद दांतों पर इसका लेप लगाइए, दांत दर्द समाप्त हो जाएगा। लौंग को हल्का भूनकर चबाने से मुंह की दुर्गंध समाप्त होती है। मुंह में अगर छाले हो तो लौंग चबाने से फायदा होता है। दांत और मसूड़ों के दर्द से राहत दिलाने में खास तौर पर उपयोगी है लौंग। दर्द के समय अगर एक लौंग मुंह में रख ले और उसके मुलायम होने के बाद उसे हल्के हल्के चबाए तो दांत दर्द बंद हो जाता है। सांस के रोगों का इलाज भी बहुत ही अच्छा करता है। दमे में भी लौंग काफी उपयोगी होती है। दमे से पीड़ित व्यक्ति को लौंग की 5 कलियों को 30 मिलीलीटर पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर शहद के साथ दिन में 3 बार पिलाएं, काफी लाभ मिलेगा। संक्रमण से भी बचाता है लौंग। एंटीसेप्टिक गुणों के कारण लौंग चोट, खुजली और संक्रमण में काफी उपयोगी होती है। इसका उपयोग कीटों के काटने या डंक मारने पर भी किया जाता है। इसे किसी पत्थर आदि पर पानी के साथ पीसकर काटे गए या डंक वाले स्थान पर लगाना चाहिए, काफी लाभ मिलता है। पाचन शक्ति मजबूत बनाए। लौंग पाचन शक्ति को बढ़ाती है। इसके सेवन से भूख तेज लगने लगती है।
इसलिए मसाले में लौंग का नियमित सेवन करें। सामान्य आदमी को भोजन में प्रतिदिन 2 लौंग का आवश्यक सेवन करना चाहिए ताकि हाजमा और पाचन तंत्र दुरुस्त रहे। अगर आपका जी मचला रहा है या उल्टी आ रही है तो भुनी लौंग के पाउडर को शहद में मिलाकर सेवन करने से तत्काल लाभ होता है। यदि जी मिचला रहा हो तो 2 लौंग पीसकर आधा कप पानी में मिलाकर गर्म करके पीने से भी लाभ होगा। अगर आपको किसी तरह की गैस बन रही है तो पेट में गैस होने पर 1 कप उबलते हुए पानी में 2 लौंग को पीसकर डालें। उसके बाद पानी ठंडा होने के बाद पी लीजिए, पेट की गैस समाप्त हो जाएगी। किसी तरह का गठिया है तो गठिया रोग में जोड़ों में होने वाले दर्द व सूजन से आराम के लिए भी लौंग बहुत फायदेमंद है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। कई अरोमा एक्सपर्ट गठिया के उपचार के लिए इसके तेल की मालिश को तवज्जो देते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।